भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई महासचिव अर्जुन दत्ता मेघे के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन 13 अगस्त की शाम वर्ली में किया गया, जहां हजारों लोगों में मुफ्त छाता और शैक्षिक सामग्री वितरण की गई। कार्यक्रम की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहेब अम्बेडकर के मूर्ति पर मंगल प्रभात लोधा और भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना को फूलगुच्छ और शिवाजी महाराज की प्रतिमा देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। आपको बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई महासचिव अर्जुन मेघे एक ऐसा नाम है जो हर किसी के लिए काफी खास है। जनता की लड़ाई के लिए सड़क पर आना और जनता के सहयोग के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना हमेशा ही करते नजर आते हैं अर्जुन मेघे, जिस बात को मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना ने भी कही। वही इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था कार्यक्रम के आयोजक और अतिथि का, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के महामंत्री अर्जुन मेघे जी पे गर्व करता है, क्योंकि वो जमीन पे उतरकर जमीन से जुड़े हुए लोगों की सेवा करने वाला एक कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता, जो चाहे लोगों के लिए आंदोलन करना हो, चाहे कुछ उपक्रम करना हो, चाहे लोगों के हित में कुछ कार्यक्रम करना हो या सेवा कार्य, ये सभी चीजों में सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला कार्यकर्ता ये अर्जुन मेघे है। और आज मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि हमारे नेता, जिनका मार्गदर्शन सतत हमें मिलता गया है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, वो आज वर्ली करो के बीच में आकर अर्जुन जी के माध्यम से जो छाता वाटप और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए साहित्य वाटप किया गया, उसमें आकर उन्होंने सभी को मार्गदर्शन दिया और अर्जुन जी का अभिनंदन किया। तो इस बात के लिए मैं हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के महामंत्री अर्जुन मेघे जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा ही वर्ली करो के लिए, खास करके चाहे उनके लिए कोई भी मदद हो, बढ़ चढ़ कर आगे आकर, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी में कुछ काम हो, चाहे पुलिस स्टेशन का कुछ काम हो, चाहे गटर वाटर मीटर का कुछ काम हो, अर्जुन मेघे जी ने हमेशा ही लोगों की सेवा की है। एक तरफ वर्ली विधानसभा के आमदार जो यहाँ के युवराज, वो लोगों के बीच में नहीं दिखाई देते, और वही एक तरफ हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता अर्जुन मेघे जी के रूप में लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्या दूर करके उनका उसका निवारण करता है, इसका हमें दिल से गर्व है। देखिए 15 अगस्त आ रहे, हमें सबसे बड़ी गर्व की बात है कि 75वां आजादी का अमृत महोत्सव हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मनाने जा रहे हैं। इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 36 के 36 विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हम जो हमारे शहीदों के स्मारक है, जो हमारे महापुरुषों के पुतले हैं, उसके साफ सफाई का अभियान भी भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के माध्यम से होने जा रहा है। ऐसे कई उपक्रम कार्यक्रम देश सेवा के, लोक सेवा के, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा कार्यकर्ता मुंबई में करेंगे। इसके साथ साथ पिछले कई दिनों से और आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 18 से 25 साल का जो युवा वर्ग है, वो आज भी सिर्फ मुंबई में 20% वोटिंग लिस्ट, वोटिंग की यादी में उनका नाम नोंदनी हुआ है। तो ऐसे जो 80% युवक 18 से 25 साल के जो मुंबई में अभी भी उनका नाम मतदाता यादी में नहीं है, तो ऐसे युवकों को हम पकड़कर कॉलेजेस के बाहर या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में जाकर युवा मोर्चा ऐसे 1,00,000 से ज्यादा युवकों का नाम, नए 18 से 25 साल के युवकों का नाम नए मतदान नोंदी में डालने का काम करेगा। सर जो है पहले, इसके पहले भी जो है हर घर तिरंगा जो है मुंबई में पहली बार आया था, तो हर घर तिरंगा नजर आया था, क्या इस बार भी जो है हर घर तिरंगा नजर आएगा? इस बार जोश दुगना है लोगों के अंदर। मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील की है, उनका विश्वास जीता है, तो ये अपील के माध्यम से जो पिछले बार जितने लोगों ने घर में तिरंगा लगाया, उसे दुगने संख्या में पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में आपको
खास करके तिरंगा लगाए दिखे। सर इस पे जो है ये हर घर तिरंगा पर जो विपक्ष पार्टी का कहना है कि इस पे जो है भारतीय जनता पार्टी एग्जिस्ट करे तो भी किस तरह से देखते हैं जब ऐसा विपक्ष पार्टी लोग करते हैं। देखिए बड़ी शर्म की बात है, आने वाले दिनों में मुंबई में भी जो इन्होंने I.N.D. बनाया है तो ये ममता बनर्जी, ये अरविंद केजरीवाल, इनका स्वागत ही ऐसे लोग करने वाले, नसीम खान जैसे जिन पे स्वयं मोलेस्टेशन का केस है, जिन्होंने जब 26/11 हो रहा था मुंबई में तब वहां पर दाऊद के गुर्गे से 150 बार बात करने का फोन पर काम किया है। ऐसे देशद्रोही, ऐसे मुंबई के विरोधक, ऐसे महाराष्ट्र के विरोधक, ऐसे लोगों का स्वागत करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले भी चोर और स्वागत करने वाले भी चोर। आज जो मैं पद पे भी हूँ वो तेजू भाई की वजह से है। स्टार्टिंग से जब से मैं तेजू भाई को मिला हूँ उन्होंने मुझे एक छोटे भाई जैसे हमेशा प्यार किया है, मुझे सपोर्ट किया है, मुझे गाइडेंस दी है और हमेशा जब भी कोई भी काम आता है वो हमेशा देखते बोलते हैं कि हमेशा इन्हें फॉलोअप लेते हैं। कोई भी आंदोलन रहो या कोई भी कार्यक्रम रहो, जो भी काम करता है, जो भी अच्छा काम करता है, तेजू भाई हमेशा उनको इन्हें उनको सपोर्ट करते हैं और उनको इतने अच्छे से इन्हें ऐसे मेरे लिए तो तेजू भाई मेरे पॉलिटिकल मेंटर है और मेरे बिग ब्रदर है। अभी जैसे हमारे पार्टी का एक उसूल है कि हमेशा लोगों की सेवा करना, तो जैसे जैसे पार्टी हमें और कार्यक्रम देते जाएगी, अभी आगे चल के 15 अगस्त को भी हमारे कार्यक्रम है, उसके बाद 26 तारीख को हमारा मंगला गौर का कार्यक्रम है, उसके बाद 27 तारीख को जब तक सांस रहेगी लोगों की सेवा करते एग्जैक्टली जब जैसे भाई ने बोला जब तक सांस रहेगी लोगों की सेवा करते ही रहेंगे। अब पूछेंगे तो पूरी रात चली जाएगी, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कार्यक्रम किया जा रहा है। आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे अनेक लोग हैं, हजारों लोग थे आज जो कार्यक्रम में आए हैं और मुझे लगता है कि सब लोग खुश थे। हमारे जो आदरणीय नेता है और हमारे मार्गदर्शक मंगल प्रभात लोधा जी वो खुद आए और उन्हें खुद कार्यक्रम की हमको अभिनंदन दिया कि हमने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, तो हम खुश है कि इतने अनेक लोग भी आए और कार्यक्रम सफल हो गया। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं जो है देखा जाता है जो भीड़ जो है काफी आज भीड़ भी थी, इसके पहले भी कहीं ना कहीं भीड़ रहती है जो है वो जो है भीड़ को जो है काबू नहीं किया जा सकता था, तो यहाँ पे किस तरह से जो है काबू किया गया? तो ये हमें पता था कि जब भीड़ होगी तो काबू करने के लिए मैनेजमेंट लगेगा, तो हमने हमारे जो कार्यकर्ता है उनको मैनेजमेंट का एक रोल दिया था और अगर आप देख सकते हैं उन्होंने फुल ब्लैक टी शर्ट्स पहने जो सब लोगों को बिठा रहे थे और जब भी उनका आने का था उनको उठा के उनको लाइन में खड़ा करके स्टेज पे भेज देते और स्टेज से भी उतार के उनको एक्सेस और व्यवस्था उन्होंने अच्छी की थी।